अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी दो फीट की डिश है। तो आज इस पर पाक सेट के यू बैंड 38 ईस्ट को और तुर्क सेट 42 ईस्ट को ये देखें मोनो ब्लॉक एल एन बी पर ट्रैक करेंगे दोनों सेटेलाइट को। देखते हैं दोस्तों दोनों सेटेलाइट हमें रिसीव होती हैं या नहीं। तो चलें दोस्तों, अब मैं आपको ये एल एन बी लगा कर दोनों सेटेलाइट ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये कितना सिग्नल आता है और कितना चैनल, तो दोनों सेटेलाइट के चैनल स्कैन भी करेंगे। चलें दोस्तों, मोनो ब्लॉक एल एन बी को मैंने सेट कर लिया है, तो आप देख लें ये जो सेंटर वाली एल एन बी है, ये वाली ये है तुर्क सेट 42 ईस्ट पर सेट। तो ये साइड वाली जो मैंने ट्रैक की है ये है पाक सेट 38 ईस्ट पर, पाक सेट के यू बैंड 38 ईस्ट। तो आप केबल देख लें दोस्तों, ये देखें ये केबल का टुकड़ा आपके सामने। तो अब मैं आपको इसके सिग्नल भी चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये मेरा सेट फेंडर है, मैं आपको इसके सिग्नल भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये पाक सेट के यू बैंड के सिग्नल आप चेक कर लें, 11102 2090 सिंबल रेट, पोलराइजेशन वर्टिकल सिग्नल आप देख लें दोस्तों 10.4 dB। तो अब मैं आपको तुर्क सेट 42 ईस्ट के सिग्नल भी चेक करा देता हूँ। तो एक बार फिर देख लें दोस्तों, मैं आपको इसका डेजक पार्ट दिखाना भूल गया। ये देखें डेजक पार्ट मैंने दो लगाया हुआ है इस पर। तो अब मैं आपको तुर्क सेट 42 ईस्ट के सिग्नल भी चेक करा देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों 38 के बाद 42, ये देखें तुर्क सेट 42 ईस्ट, ये इसकी फ्रिक्वेंसी देख लें 11096 सिंबल रेट है 30,000 पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल। तो अब मैं आपको ये देखें नीचे डेजक पार्ट मैंने LNB1 दिया हुआ है। तो आप इसके सिग्नल देख लें 7.7 dB, 8.4 dB। तो अब मैं आपको दोस्तों फॉक्स नेटवर्क का सिग्नल भी चेक करा देता हूँ। तो ये देखें, ये फॉक्स नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी 12458, सिंबल रेट 15,000, पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल 10.7 dB, 10.4 dB तक सिग्नल जा रहे हैं। तो अब मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ दोस्तों। तो ये इसकी केबल देख लें दोस्तों, तो ये देखें